हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर स्लिप बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। इस तरीके से आपको अच्छे से बिछा लेना है। फिर मैंने इसकी स्लिप की लंबाई ली है 17 इंच। फिर मैंने ये 6 इंच का जो चौड़ाई है वो ली हुई है। यहाँ से मैंने तिरछा कर दी है लाइन रो, और यहाँ से मैं ये डाउन करूँगी 3 इंच पे। मैं ये डाउन करूँगी जो स्लीव के ये शोल्डर जो यहाँ से गिरते हुए हैं। सेवन इंच तक यहाँ तक एक निशान लगा लूँगी, एक इंच, फिर दूसरा निशान मैं 3 इंच पे लगाऊँगी। देखिए, ये मेरी स्लीव है। अब मैंने देखिए, पहले से मैंने यहाँ पर डोरी बना के रख ली है। अब मैं इसके छोटे छोटे से मतलब लूप कट कर लूँगी, छोटे छोटे 2.5-2.5 इंच में लगभग, इस तरीके से इसके पीस कर लूँगी। इस तरीके से पीस करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से, आपको ये सीधी साइड है, सीधी साइड अंदर की साइड इस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया है, तो आपको फिर ये फिटिंग का, तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरीके से, तो इस तरीके से स्टार्ट करना है। आपको ये पूरे में स्लीव में इसी तरीके से आपको लगाने हैं। ये मैंने सारे लूप लगा लिए हैं अपनी बाजू पर, इसी तरीके ये देखिए लगा लिए हैं। अब क्या, ये देखिए मैंने ओरे पट्टी ली है, और ओरे पट्टी को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया एक साइड से। और आपको कैसे लगाना है, जो ये उल्टा है ना, उल्टा आपको इस तरीके से रख कर और ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और आपको सिलाई यहाँ लगानी है जहाँ पर आपने ये जो लूप लगाए थे, जिसकी उसकी सिलाई लगानी, उसी के ऊपर इसकी सिलाई भी लगनी चाहिए। इस तरीके से आप उसी के ऊपर इसकी सिलाई लगाइएगा। ऐसे ही आपको ऐसे पूरे बाजू में सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने ओरे पट्टी लगा दी है पूरे में इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको ये अंदर की साइड ऐसे करके, इस तरीके से इसको बाहर निकाल के आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है।
तरीके से आपको सिलाई लगानी है। फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है इसकी। जो इसकी गैपिंग है ये लूप की मैंने 1 इंच रखी है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कम बढ़ती भी रख सकते हो। ऐसे ही हमें पूरी ही सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक पूरी बाजू पे लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा ली है, और आपको फिर इसमें मैं बाद में इसमें तुरपाई कर दूँगी, ये आप देख सकते हैं तुरपाई कर दूँगी। उससे पहले ये देखिए ये जो यहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है, मैं यहाँ पर डोरी डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, फिर ये ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में डालूँगी इस तरीके से, फिर मैं इस ब्लॉक में डालूँगी, मैं इधर डालूँगी, इसको मैं क्रॉस में करूँगी इस तरीके से, फिर ये दूसरे क्रॉस में इस तरीके से मैं कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये क्रॉस बन गया। अब मैं यहाँ पर मैंने डोरी डाल दी है, अब मैं इसमें यहाँ पर लटकन सी बना लूँगी इस तरीके से। चरकोर मैंने कपड़ा काट लिया है, अब इसको ऐसे रख के पूछा ये प्रोसेस मैं दूसरी डोरी में अपनाऊँगी इस तरीके से। ये मैंने दूसरी डोरी में भी सिल लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक लगा ली इस तरीके से, इसको सीधा कर लेना है आपको। सीधा करने के बाद इसकी फिनिशिंग दे देनी है, छोटी कर देनी है। फिर इसमें मैं एक और लगाऊंगी, लटकन सा बनाऊंगी, इसकी दूरी मैं इतनी दूर पे रखूंगी। इस तरीके से आपको करना है, फिर आपको एक सिलाई और लगा लेनी है। ऐसे ही मैं दूसरी डोरी में भी कर लूँगी। ये मैंने ये दोनों लटकन लगा ली हैं, अब मैं इसकी मतलब फिटिंग दे दूँगी स्लीव की इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग दे देनी है। जब भी आप यहाँ सिले तो यहाँ पर बैक लगा दें सबसे पहले, इससे मजबूती आ जाती है स्लीव में। ऐसे ही पूरी सिलाई कर लूँगी। ये देखिए मेरी स्लीव बन के रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने लटकन्स भी लगा ली हैं। ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव भी रेडी कर लूँगी।